जब भी आप ब्रेड के साइड्स को फेंकने वाले हों, इस रेसिपी को जरूर कंसिडर करें। आज हम लेफ्ट ओवर ब्रेड साइड से बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची ब्रेड कटलेट्स, जिन्हें आप एज बर्गर पैटी या फिर सैंडविच के अंदर या फिर ऐसे ही एज टी टाइम स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज हम लेफ्ट ओवर ब्रेड साइड से बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग ब्रेड कटलेट्स। तो जब भी आपके पास लेफ्ट ओवर ब्रेड के साइड्स हों, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेड कटलेट्स बनाना। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ ब्रेड वाले दही वड़े की रेसिपी शेयर करी थी, जो कि इंस्टेंटली कुछ मिनटों में ही बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी ब्रेड से दही वड़े बनाना चाहते हैं मिनटों में, तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इस रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए शेयर कर दिया है। उसमें मैंने सिर्फ ब्रेड का व्हाइट पार्ट यूज करा था, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के साइड्स बच गए हैं। अब मैंने सोचा या तो इनसे बनाए जा सकते हैं ब्रेड क्रम्स या ब्रेड पोहा, या क्यों ना आज बनाया जाए ब्रेड कटलेट्स। तो बस वही ब्रेड कटलेट्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल रही हूँ 10 ब्रेड के साइड्स। आपके पास जितनी भी ब्रेड बच गई हो, उसी हिसाब से आप बाकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपकी ब्रेड की साइड्स बच जाएं, उसे आप एक क्लिंग रैप में या जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 दिन पुराने ब्रेड के साइड्स यूज कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें एक बोल में निकाल लें। अगर आप इन्हें एक मेजरिंग कप से मेजर करना चाहते हैं तो ये करीब 2 कप ब्रेड क्रम्स हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 आलू, जिन्हें मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश करके डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप हरी मटर, मटर को थोड़ा सा ब्लांच कर लें, 1/4 कप ब्लांच करी हुई स्वीट कॉर्न्स। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इन कटलेट्स में स्वीट कॉर्न डालेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप ना खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें डालें 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और आधे नींबू का रस मैं इसमें फ्रेशली स्क्वीज करके डाल रही हूँ। अब हम एक स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्पैचुला का काम खत्म, अब हम अपने हाथों से इसे अच्छे से मैश करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉन स्टिकी सा डो बिल्कुल तैयार है। अब आइए स्टार्ट करते हैं इनसे कटलेट्स बनाना। अब ताकि सारे कटलेट्स सेम साइज के बने, इसके लिए यहाँ पे मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मेजरिंग कप को हम ऑयल की कुछ बूंदों से ग्रीस कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है डो का। इसे मैं इस मेजरिंग कप में फैला रही हूँ। इसे अपने हाथों से इवनली स्प्रेड कर लें और अब एक प्लेट के ऊपर इस मेजरिंग कप को जेंटली टैप करें। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कटलेट्स बाहर निकल आए हैं, क्योंकि मेजरिंग कप को हमने ऑयल से ग्रीस कर रखा था। बिल्कुल इसी तरीके से डो का एक और बॉल ले लें, इसे मेजरिंग कप पे इवनली स्प्रेड कर लें और इसे जेंटली टैप करें। तो देखिए सारे कटलेट्स सेम साइज के बन रहे हैं और इसके एजेस भी क्लीन निकल के आएंगे। तो यहाँ पे आप मेजरिंग कप की जगह कोई भी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से ही इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपने सारे कटलेट्स रेडी कर लें। तो आप चाहें तो इन पे डबल कोटिंग भी कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स की और फिर उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की स्लरी की। पर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करी हूँ एक बहुत ही इजी रेसिपी, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर करा है। और अब यहाँ पे एक पैन में मैंने रखा है थोड़ा सा तेल और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट रखें और इसे टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अगर तेल कम गर्म होगा तो कटलेट्स काफी ऑयल अब्सॉर्ब करेंगे और ऑयली बनेंगे, और अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो ये बहुत ही जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं। तो ध्यान रखें, आपको ऑयल को मीडियम हॉट ही रखना है। तो इसी तरीके से अपने सारे कटलेट्स को फ्राई कर लें और फिर इन्हें एक टिश्यू पे निकाल लें। इन कटलेट्स को आप सैंडविच के अंदर
या बर्गर पैटी के जैसे या फिर ऐसे ही टी टाइम स्नैक्स की तरह इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमारे कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये इजी रेसिपी पसंद आई होगी। कोई भी लेफ्ट ओवर चीज़ को फेंके नहीं, ट्राई करें कि आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।